वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुशदीप। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही कूल फेस पैक, और इस फेस पैक को बनाने के लिए जो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो है एक तो क्यूक्यूम्बर और एक एलोवेरा जेल। आज के फेस पैक के लिए हमें बस ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो क्यूक्यूम्बर और एक एलोवेरा जेल, जो कि ये दोनों चीज़ें ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे स्कार्स हैं, एक्ने के स्कार्स हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम है, तो ये सभी सिर्फ इन दो चीज़ों से ठीक हो सकती हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें करना क्या है, मैंने क्या करा था, खीरे को क्रश करके उसका पल्प निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे ये खीरे का पल्प लिया हुआ है, मैंने इसको 1/4 टेबलस्पून लेना है मुझे खीरे का पल्प। तो मैंने यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून खीरे का पल्प लिया हुआ है, और ये 1 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ है। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लूँगी, और उसके बाद इस फेस पैक को आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में होता है, तो ये अच्छे से हाथ से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए या तो ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इसको कॉटन पैड की हेल्प से लगा सकते हैं। मेरे पास कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस टाइप की कॉटन ले रही हूँ। तो मैंने ये वाला कॉटन लिया हुआ है, लूज़ कॉटन लिया हुआ है। तो मैंने एक कॉटन को इसमें डिप करके और इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी, ताकि ये काफ़ी अच्छे से लग जाए और इधर उधर ना फैले ज़्यादा। तो मैं खीरे का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खीरे में होता है विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे स्किन को सूद और मॉइस्चराइज करता है। और खीरे में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो कि एक्ने और सनबर्न को ठीक करने में हेल्प करते हैं। और एलोवेरा जेल हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन में नमी बनाए रखता है, और साथ ही साथ हमारे स्किन को यंग और यूथफुल बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही एलोवेरा में एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से भी बचाता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे एक्ने या रिंकल्स हैं तो उनको भी ठीक करता है। इसके अलावा एलोवेरा में एलोसिन कंपाउंड होते हैं, जो कि स्किन लाइटनिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपकी स्किन 1 से 2 शेड तक लाइट हो जाती है। और अभी मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लूंगी, ताकि ये अच्छे से मेरे स्किन के अंदर तक जाके इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मेरे स्किन को मिल सके। और मैं अभी इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो को, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये हमारा फेस पैक बहुत अच्छे से लग गया है। अब हमने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे स्किन को मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट्स के बाद। तो अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है, और जब ये सूख जाता है तो ये हल्का सा आपकी स्किन पे स्टिकी रह जाता है, स्टिकी सा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने एक टॉवल लिया हुआ है, मैं उसको वेट करके और उससे अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मेरी स्किन इतनी क्लियर नहीं थी, मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल स्कार्स थे, बट अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कोई भी पिंपल स्कार नहीं है। मैं आपको अपनी पहले की पिक मैंने थंबनेल में लगाई हुई है, अपनी पहले की फ़ोटो भी मैंने लगाई है। आप अगर सोचे कि मेरी स्किन पहले से ही ऐसी थी, तो मेरी स्किन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे काफ़ी सारे पिंपल्स के स्कार्स थे, और मेरे स्किन पे स्कार्स बहुत जल्दी जाते नहीं हैं। मेरे जो स्किन है, मेरे स्किन टाइप ऐसा है कि अगर उस पर कोई भी स्कार हो गया तो बहुत ईजिली नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने ये होम रेमेडीज ट्राई कर करके अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल ही स्पॉटलेस है, मेरी स्किन पर एक भी स्पॉट नहीं है। तो और एक और चीज़, जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाएं उसके बाद मेक श्योर कि आप टोनिंग ज़रूर कर लें, या तो टोनर या तो मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर लगाएं अपनी स्किन पे। अपने स्किन को फेस पैक लगाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये स्किन क्राफ्ट का टोनर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।